सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई लोग, आप सभी लोगों को दिल से हैप्पी दिवाली। और आपकी दिवाली कैसे गई हो कमेंट में जरूर बताना। और दिवाली तो सबकी अच्छी जाती है, तो भाई लोग आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो भाई लोग, आज के इस वीडियो में हम भाई लोग WDP 4D लोकोमोटिव का रिव्यू थोड़ा सा कर देंगे, छोटा मोटा। भाई लोग, मैंने बोला था दिवाली तक कम्प्लीट कर देंगे, बट भाई लोग नहीं कर पाया मैं कम्प्लीट, भाई लोग क्योंकि स्कूल का भी थोड़ा काम रहता है, तो थोड़ा कम ही कम्प्लीट कर पाया। बट इसके बाद एक और लास्ट पार्ट आएगा, उसका ये WDP 4D लोकोमोटिव कम्प्लीट हो जाएगा। तो लोग, आज के इस वीडियो में बस मैंने इतना कम्प्लीट कर दिया है कि ये चल सके। पर भाई लोग, ये वाला वीडियो मेकिंग का नहीं है, मेकिंग वाला वीडियो आपको 10 या 11 नवंबर को मिल जाएगा। उसी दिन इसको मैं अपलोड करूँगा, इसकी मेकिंग वीडियो, तो उस वीडियो को जाके देख लेना। और भाई लोग, 14 नवंबर को कुछ थोड़ा सा खास प्रोजेक्ट में लेकर के आने वाला हूँ, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जाके सेट जरूर कर देना, ठीक है लोग। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले भाई लोग, आपको हॉरन सुना देता हूँ मैं। ये भाई लोग कूलिंग रेडिएटर है। भाई लोग, इसके अंदर ट्रेन साउंड है, ये थोड़ा सा वाइब्रेशन भी देता है ये ट्रेन साउंड। ये भाई लोग, मैं थोड़ा सा पावर सप्लाई का एक्स्ट्रा वायर छोड़ दिया, क्योंकि अब इसको हम रिमोट कंट्रोल भी बनाएंगे, तो इसलिए वहाँ पे पावर सप्लाई छोड़ दिया। और जो हेडर वाला है, उसे हम रिमोट कंट्रोल के तहत यूज़ करने वाले हम। और भाई लोग, आप ये सब के सभी लाइट देख सकते हो कि ये किस हिसाब से ग्लो कर रहे हैं। तो प्लीज़ भाई लोग, इतना बढ़िया यार, इतने छोटे लोकोमोटिव में भाई लोग सब लाइट हो गया है, मैंने सब फिक्स करके दिखाया यार। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में सब्सक्राइब होता है, तो इसलिए क्या चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई लोग। चलो, इसका लाइटनिंग देख सकते हो भाई लोग, बहुत बढ़िया लाइटनिंग है। बट भाई लोग, बनाते बनाते भाई लोग, एक मेन हेडलाइट जो 8mm की LED थी वो ख़राब हो चुकी है एक तरफ की, तो भाई लोग उसके लिए सॉरी नहीं कर पाया, गलती से हो गई होगी कभी ख़राब, ठीक है लोग। तो बस यही थी लाइट, यही देख पा रहे हो गए, बहुत अच्छे से मैंने इसको लाइट जला करके दिखाया है, इसमें थोड़ा सा अंधेरा भी कर दिया। ये वाली हेडलाइट है जो बहुत ही बढ़िया रोशनी देती है, तो प्लीज़ यार इतनी बढ़िया यार लाइट वगैरह सब चीज़ फिट करके दिखाया भाई लोग इसी छोटे लोकोमोटिव में, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, फ्री में होता है बस। सारी अब लाइट देख सकते हो, अब इसके अलावा कुछ नहीं है इस लोकोमोटिव में। तो भाई लोग, जो आने वाली वीडियो होगी उसके अंदर तो आपको मेकिंग वीडियो पता चल ही जाएगा, बट भाई लोग वायरिंग का कनेक्शन मैंने उस वीडियो में नहीं बना के दिखाया। तो भाई लोग, आपको वायरिंग कनेक्शन देखना है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताया तभी मैं वायरिंग की वीडियो लाऊंगा उसके आगे, ठीक है लोग। तो कमेंट में बताना भूलना मत। उसके बाद भाई लोग, ये मैंने एक बोगी बनाई थी, इसकी वीडियो जिसने नहीं देखी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया। इसके अंदर भाई लोग, हमने हेडर पिन लगाए थे, बाकी मैंने लोकोमोटिव में भी हेडर पिन लगाया, जो कि उसमें मैंने बताया जिसमें मेकिंग वाली वीडियो है, उसके अंदर हम कुछ इस हिसाब से लगा करके इसके अंदर लगा सकते हैं कुछ इस हिसाब से, जैसे कि देख पा रहे होगे। जो भाई लोग, जो मेकिंग की वीडियो लेके आऊँगा उसके अंदर भाई लोग कुछ भी नहीं मैंने डाला है, पहले बता रहा हूँ भाई लोग, ये वर्किंग वीडियो कुछ भी नहीं है उसके अंदर, जो वर्किंग वीडियो बस भाई लोग यही है, बाकी जब कंप्लीट होएगा तब लेके आऊँगा। उसके बाद भाई लोग, ये हमने थोड़ा सा हेड टाइप का भी बना रखा है, ठीक है लोग, ये हेड टाइप का भी बना दिया। अब भाई लोग, आपको वर्किंग वीडियो भी दिखा देते हैं थोड़ा, किस हिसाब से ये दिखता है वर्किंग, मतलब भी पहले दिखा देते कुछ इस हिसाब से हमने दिखाया है इसे। भाई थोड़ा सा बहुत मेहनत लगता है यार, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतनी मेहनत से भाई लोग बनाया है मैंने, तो प्लीज़ यार एक लाइक का बटन और चैनल को सब्सक्राइब करने वाला आपका कुछ भी नहीं जाएगा, तो इसलिए क्या भाई लोग, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या जैसे कि देख पाओ कितना बढ़िया हमने लोकोमोटिव तैयार कर दिया है। तो भाई लोग, आज के वीडियो में बस मैंने इतना ही बताया है, तो प्लीज़ यार आने वाली वीडियो भी आप कंप्लीट देख लेना,
जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये किस हिसाब से दिखता है। इसके अंदर भाई लोग बफर ऐड करें, कपलर अभी नहीं तैयार किया क्योंकि छोटा वाला कपलर बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब आपको भाई लोग वर्किंग वीडियो दिखा रहे हो, जैसे एक स्विच दबाते ही ये चलने लगता है। ठीक है लोग, बाकी रिमोट कंट्रोल भी इस हम छोटा वाले लोकोमोटिव को बनाएंगे। पहले DPDT स्विच को हमने लगाया था कुछ इस हिसाब से, यहाँ पे हम डायरेक्शन उस मोटर के चेंज कर दिए। और ये स्विच का कनेक्शन नहीं देखे तो वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आके पीछे देख सकते हो। ठीक है लोग, तो अब चलते हैं इसकी वर्किंग वीडियो के ऊपर। ठीक है लोग, ये वर्किंग वीडियो इतना ही है बस वर्किंग वीडियो में, बाकी आप बफर आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ कुछ हिसाब से बफर बढ़िया वर्क कर रहा है। तो लोग बस आज की वीडियो में बस मैंने इतना ही बनाना सिखाया है, बाकी आप वर्किंग वीडियोस की पूरी देख लो और मैं मिलूँगा अगली वीडियो में अच्छे वाली, अच्छे से मैं बना करके मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी वायरिंग की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करना भी मत भूलना कि वायरिंग की वीडियो मुझे चाहिए। बाकी अभी के लिए मैंने यहाँ पे इसे ट्रैक पे रख दिया है, ट्रैक मेरे पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे, जो पिछले जो ट्रैक की वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने दो ट्रैक बनाए थे, वही ट्रैक अवेलेबल है अभी मेरे पास। बाकी मैंने ट्रैक के ऊपर इसे जब तक के लिए रख दिया है। बाकी ट्रैक की वीडियो जिसने नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से जाके उस ट्रैक को जाके देख सकते हो। अब भाई लोग मैं आपको इसे चला के इस पर दिखा देता हूँ, बस यही चला के मैंने इस वीडियो में दिखाया है। तो बस मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। और भाई लोग आप सभी को हैप्पी दिवाली। और भाई लोग जो वीडियो में थोड़ी सी बैकग्राउंड साउंड आ रही होगी, पहले भी मिल रही होगी, तो उसके लिए सॉरी भाई लोग। बैकग्राउंड साउंड मैंने इस बार इसलिए रखा है क्योंकि ट्रेन का साउंड आपको अच्छे से सुना सकूँ, तो उसके लिए सॉरी कि बैकग्राउंड साउंड आ रहा था इसमें।